अब वही वाला है जो हमने बनाना था। और ये लक्कड़ बाजार जहाँ हम आपको दिखाएंगे, तो हम लक्कड़ बाजार आपको दिखाएंगे, बट आपने इंस्टा पे कमेंट किया और तब सैबी और मैं अभी दोबारा आए तो हमने सोचा चलो आपको दिखाते हैं। सॉरी मैं इसको हिला दिया। सो लेट्स गो। से ये दिखता है और यहाँ पे आपको ये शॉप्स दिखेगी जो कि ये हाथ से ही बना रहे हैं। ये बिल्कुल हाथ से बनाई होती है, छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे सामान होएगा। एक्चुअली होटल वगैरह भी है इस साइड। यहाँ पे सब आपको लकड़ी का सामान मिलेगा जो कि थोड़ा महंगा भी हो सकता है, मतलब रीज़नेबल प्राइजेस नहीं होते हैं थोड़े से, बट हाँ ये बड़ा फेमस है क्योंकि ऑफ कोर्स रिच के साथ है। तो और मेरा बहुत ज़्यादा सांस हो रहा है बिकॉज बहुत टाइम बाद है। सो आप यहाँ पे शॉप्स देख लो गाइस, ऐसे ऐसे हिसाब से बना रहे थे, जो भी आप नाम बोलोगे उसके हिसाब से ये बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी आया है और यहाँ पे हम कुछ खरीदेंगे। ये शॉप है, आपको सब कुछ यहाँ पे वुडन का ही मिल जाएगा। You can see, और ये मेरे मॉम भी कुछ देख रहे हैं। सो आप देखो ऐसा वुडन का यहाँ पे बहुत सारा काम मिलेगा आपको। कुछ फ्रूट भी, और यहाँ पे ये कुछ वुलन के आपको क्लोथ्स भी मिल जाएंगे, कुछ वुलन के। और अब तो खैर मास्क भी दिखेंगे। ओके गाइस, सो मैं घर जा रही हूँ, बस अभी अभी हैंड वॉश किया और अभी अभी जस्ट अभी पहुंचे और शाम हो गई है बहुत। सो आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, और ये पीछे से बहुत बोली जा रहा है, और बस यही आपको कहना था। बाकी दैट्स इट, आपने सबने देख लिया कि आज का आउटिंग कैसे हुई। एक्चुअली मैक्सिमम थिंग्स, क्योंकि जब आप लोकल हो ना शिमला के तो आप यहीं पर ही जाओगे तो आउटिंग के लिए भी यहीं पर है। और ये हमारा कालू है जो कि एक स्ट्रीट डॉग है बट हमारे साथ ही रहता है। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।